बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड पी। पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डिफरेंस बाय यूनिटी। फ्रूट्स, मैंने आपको बताया था दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरा कौन सा था? बीटा। एक रूट्स को मैंने अल्फा का नाम दिया, दूसरे रूट्स को आपने किसका नाम दिया था? बीटा का नाम दिया। अब एक क्वेश्चन क्या हो कहता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो रूट्स हैं अल्फा या बीटा दोनों में से कोई एक रूट्स, डिफरेंट बाय यूनिटी। वो कहते मैंने लेट कर लेता हूँ। पहले आप देखिए इसमें से ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो सी वैल्यू होगी इसकी 1 की, एक्स के साथ जो वैल्यू है होगी इसकी बी की, और इसकी सी इसके जो आएगा पी इसकी आएगी। दो रूट्स हैं, पहला रूट कौन सा है अल्फा और दूसरा रूट कौन सा है बीटा है। मैं लेट कर लेता हूँ अल्फा को, लेट अल्फा और अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ आर द रिक्वायर्ड रूट्स। दो रूट्स अल्फा और बीटा, दो रूट्स में उसने कहा था कि इस रूट में से कोई सा भी एक हो, चाहे अल्फा हो चाहे लेने आप चाहे बीटा ले लें, इसमें से एक रूट में से आपने क्या करना है, डिफरेंस बाय यूनिटी, मतलब क्या करना है उसमें से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप बीटा भी ले सकते हैं, मैंने अल्फा लिया, आप बीटा भी ले सकते हैं, बीटा बीटा माइनस अल्फा आर द रिक्वायर्ड रूट्स होते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, रूट्स आपके पास कौन से हैं, अब अल्फा की जगह पे ये अल्फा और बीटा की जगह पे क्या यूज हो रहा है, अल्फा माइनस 1। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, अल्फा, अल्फा माइनस 1 ये अल्फा की जगह पे और ये बीटा की जगह पे यूज हो रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी किसके इक्वल है, माइनस 1। ए किसके इक्वल है, 1 के, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा, अल्फा माइनस 1 सी ओवर ए। सी किसके इक्वल है, पी स्क्वायर और ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, और अल्फा, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। फ्रॉम 1 दैट इज ओपन के अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस का उधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का, 1 अल्फा और 1 अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा, 1 प्लस 1 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, पुट अल्फा इन इक्वेशन 2, यहाँ पे अल्फा हो आप क्या लिखेंगे, 1 अल्फा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस के, 1 माइनस 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो पी किसके इक्वल आ जाएगा 0। हमने क्या फाइंड करना था, पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो इसका जो उनसे सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इस तरीके से करना है कि इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, वैल्यू ए बी सी की फाइंड, ए बी सी लिखेंगे, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर के साथ जो उनसे कोएफिशिएंट है वो ए की, एक्स के साथ जो उनसे कोएफिशिएंट होगा वो बी, और ये सी आ जाएगा आपके पास। तो इसमें से जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंस बाय डिफरेंस बाय 2, इसमें क्या आता है, डिफरेंस बाय यूनिटी है, उसमें क्या डिफरेंस बाय 2 है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप अल्फा को रूट्स ले लें या फिर बीटा को, मैंने अल्फा को लिया, आप बीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो सेकंड पार्ट है इसका आप लिखेंगे अल्फा और अल्फा माइनस 2, बाकी सारे मेथड आप लोगों ने इसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड एम, एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फाइंड एम। इसका फर्स्ट पार्ट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, दी इक्वेशन, इक्वेशन के सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी किसकी होगी, ए की, और ए बी इज इक्वल टू माइनस 7 और सी किसके इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5। पहले आप सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर ए की। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 ए 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को मान लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी किसके इक्वल है, 3m माइनस 5, ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या, इस क्वेश्चन में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ना अल्फा की वैल्यू है और ना ही बीटा की वैल्यू की है। फिर उसने एक दूसरी क्वेश्चन दिया, सेटिस्फाइज द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या इक्वेशन है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये 3 अल्फा है, इसे आप इस तरीके से लिख लें, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये 3 अल्फा था, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस करेंगे वापस आपके पास क्या बन जाएगा, 3 अल्फा बन जाएगा। अब इसमें से देखें क्या कॉमन आएगा आपके पास, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है, अल्फा प्लस 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन नंबर 1 में देखें, अल्फा प्लस बीटा के हमने क्या पहले निकाल लिया, 7। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 7 अल्फा प्लस 2 7 इज इक्वल टू 4, 7 टू द 14 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। ये प्लस का होकर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, 4 माइनस 14 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है, उसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो। अब आप इसे पुट कर लें किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट करने के हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10, अल्फा की जगह में माइनस 10 पुट करेंगे, प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये माइनस का उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 10। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 10 प्लस 7 17। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एन की, जो कि मैंने फाइंड एन। अल्फा किसके इक्वल है, माइनस 10 के, और बीटा किसके इक्वल है, 17 के। पुट वैल्यू अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, अल्फा किसके इक्वल, माइनस 10 के, और बीटा किसके इक्वल, 17 के, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये माइनस है, इधर अगर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
माइनस 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, 3m इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस 165। आप किस पे डिवाइड करेंगे, इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो m आपके पास क्या आएगा माइनस 55। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो आप सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट द रूट ऑफ, ये आपके पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये इक्वेशन के माने सेटिस्फाइज रिलेशन 3α - 2β रिलेशन, 3α - 2β इज इक्वल टू 4। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो a की, x के साथ जो उनकी वैल्यू है वो b, और ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी c की। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू क्या है 7, ये माइनस 7, ए किसके इक्वल है 1 के, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस 7 के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी ओवर ए, सी क्या है 3m - 5, ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये क्वेश्चन थी 3α - 2β इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3α था, मैंने यहाँ अपनी तरफ से 3β को प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। ये 3β और 3 प्लस भी हो गया और ये माइनस भी हो गया। अब इसमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन, बाकी क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5β इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस 7 के, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा माइनस 7, ये माइनस 5β इज इक्वल टू 4। ये 7 - 21, ये माइनस का उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, 4 + 21 क्या हो जाएगा 5 25। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 5 को बोथ साइड पे डिवाइड किया, बीटा किसके इक्वल आएगा माइनस 5 के। अब किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बीटा की वैल्यू। इक्वेशन 1 में बीटा की वैल्यू पुट की, ये माइनस 5 ये प्लस का उधर आकर माइनस का था उधर आकर प्लस का हो गया, क्या बचेगा माइनस 7 + 2 - 2 के इक्वल। ये अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब आप इसे किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के, क्योंकि हमने फाइंड किया करना था एम की वैल्यू, हमने फाइंड कर दी थी। अल्फा किसके इक्वल है माइनस 2 के और बीटा किसके इक्वल है माइनस 5 के, 2 5 का क्या हो गया 10, तो ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया 10 + 5 = 15। वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी थी एम की, 3 पर बहुत सारे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एम किसके इक्वल 5 के इक्वल। तो इसका जो सा थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट 6 में क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है किसके इक्वल है लैम्डा के, इज इक्वल टू नंबर लैम्डा, लैम्डा के इक्वल है, मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये किसके इक्वल है लैम्डा के इक्वल है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट 2m + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7m - 5 एक्स प्लस 3m - 10 इज इक्वल टू 0 के, ये किसके इक्वल है 2m + 3 बी 7m - 5 और सी 3m - 10 के इक्वल। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, बी किसके इक्वल है 7m, ए किसके इक्वल है 2m + 3 और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए के, सी किसके इक्वल है 3m - 10, ए किसके इक्वल है 2m + 3। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस सेवन एम माइनस फाइव ओवर टू एम प्लस थ्री और अल्फा बीटा थ्री एम माइनस टेन टू एम प्लस थ्री। ये हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया। अब उसने क्या कहा कि जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट्स हैं ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। मतलब ये भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, और ये भी किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सेवन एम माइनस फाइव फॉर टू एम प्लस थ्री और ये भी किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री एम माइनस टेन इज इक्वल टू टू एम प्लस थ्री। इसको आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर वन एंड टू, तो क्या माइनस सेवन एम फाइव ओवर टू एम प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री एम माइनस टेन ओवर टू एम प्लस थ्री। अब आप देखिए फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, टू प्लस टू एम प्लस थ्री, बोथ साइड पे टू एम प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई टू एम प्लस थ्री बोथ साइड, टू एम प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस सेवन एम फाइव टू एम प्लस थ्री, थ्री एम माइनस टेन 2m प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू एम प्लस थ्री, ऐसे कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल, सेवन एम माइनस फाइव थ्री एम माइनस टेन, बैकिंग सो मच सेवन एम प्लस फाइव थ्री एम माइनस टेन, एम वैल्यू वैल्यू इधर आ जाएगी, सेवन एम माइनस थ्री एम माइनस टेन और ये माइनस का हो जाएगा फिफ्टीन, सेवन और थ्री कितना हो जाएगा टेन एम, और ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस टेन, और ये क्या प्लस के अंदर आगे क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये आपके पास क्या बचेगा माइनस फिफ्टीन, माइनस टेन पे डिवाइड कर लें, ये इससे कैंसिल, ये फाइव थ्री का फिफ्टीन, फाइव टू का टेन, तो एम किसके इक्वल आ गया, थ्री ओवर टू के इक्वल आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट था। इसका जो आंसर सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से ही सॉल्व होगा। भाई ए बी सी की पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इससे पहले लैम्डा का इक्वल करेंगे, फिर आप कंपेयर करके एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने आर पी करनी है। अगर किसी के स्टूडेंट्स को कोई भी इशू हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स आर पी करनी है आप लोगों को भी डाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगले एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।